जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत और आफियत के साथ हैं। मेरा नाम है जी मोहम्मद अदनान और आज हम बात करेंगे वायरसेस के हवाले से। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जी हम वायरसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात कर लेते हैं। तो वायरसेस स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और ये ए सेलुलर पार्टिकल तसव्वुर किए जाते हैं। यही वजह है कि आपको वायरसेस किसी भी किंगडम सिस्टम का पार्ट नजर नहीं आएंगे। वायरसेस जी इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, ये ना एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं और ना ही उसे एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। इवन के वायरसेस जस्ट उस वक्त रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जब वो एक लिविंग होस्ट के अंदर मौजूद हों, और इसलिए इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। और रेप्लिकेशन के लिए भी, रिप्रोडक्शन के लिए भी, इन्होंने अपने होस्ट की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसे हाईजैक करना होता है। वायरसेस के हवाले से अगर बात करें मजीद जी, तो ये दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो डीएनए और आरएनए की फॉर्म में हो सकता है। एक वायरस में याद रखिए, या डीएनए मौजूद होगा या आरएनए एक वक्त में मौजूद होगा, दोनों साथ मौजूद नहीं हो सकते। ये न्यूक्लिक एसिड जी सराउंडेड होता है एक प्रोटीनियशियस कोट से, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये चार फॉर्म्स में हो सकता है जी। डबल स्टैंडर्ड डीएनए की फॉर्म में हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्म में हो सकता है। इसी तरह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्म में हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्म में हो सकता है। नॉर्मली जी अगर आपके पास वायरस के अंदर सिंगल स्टैंड ऑफ आरएनए मौजूद हो या सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए मौजूद हो, तो उसे हम हैप्लॉइड वायरस तसव्वुर करते हैं। और अगर उसके अंदर डबल स्टैंड ऑफ आरएनए हो या डबल स्टैंड ऑफ डीएनए मौजूद हो, तो उसे हम डिप्लॉइड वायरस तसव्वुर करते हैं। क्योंकि वायरसेस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, इट मींस उनके पास जीन्स मौजूद हैं, तो वायरसेस के पास एबिलिटी है कि वो म्यूटेट कर सकते हैं, वो इवॉल्व कर सकते हैं। वायरस की जो सरफेस है जी, उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो हाईली स्पेसिफिक होते हैं अटैचमेंट पर्पज के लिए, जो उन्होंने अपने होस्ट के साथ करना होता है। इसके अलावा जी अगर हम साइज रेंज की बात करें, तो ये 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस से लेकर 20 नैनोमीटर ऑफ पार्वो वायरस के रेंज तक होते हैं। इनका साइज बैक्टीरिया की निस्बत अगर आप कंपेयर करें, तो जी ये 10 to 1000 times बैक्टीरिया की निस्बत स्मॉल हैं। कुछ वायरसेस जो हैं जी, ये स्ट्रिक्टली ह्यूमन ओरिजिन होते हैं, जबकि कुछ वायरसेस जो हैं जी, ये वर्टिब्रेट मैमल्स से ट्रांसफर होते हैं ह्यूमंस में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जूनोसिस। तो वायरसेस को जी इन करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं। नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो कंसिस्ट होते हैं न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, इनक्लोज्ड होता है जो इन अ प्रोटीनेशियस कोट, और ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जी ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। नेक्स्ट जी हम बात करेंगे कंपैरिजन सेल के, कंपैरिजन करेंगे सेल और वायरस का। तो अगर आप सेल की बात करें, तो सेल में मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन्स लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इवन कोलेस्ट्रॉल जो है रखती हैं, इनसे मिलकर बनती हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म मौजूद होता है विच कंटेन्स मेजोरिटी ऑफ मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनेल्स मौजूद है लाइक राइबोसोम्स है, गोल्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस वजह से सेल जो उनसे वो डिफरेंट काम कर सकता है लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, अपने स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना, मेटाबॉलिज्म करना, ग्रो करना और खुद से रिप्रोड्यूस करना। जबकि वायरसेस के पास सिर्फ दो ही दो चीजें हैं जी, एक जेनेटिक मटेरियल है और एक उसके गिर्द प्रोटीन का कोट है। इसलिए सेल जो काम कर सकते हैं जी, वायरसेस ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी ही नहीं है। और अगर इन्होंने रेप्लिकेट भी करना है, तो जैसा कि हमने बात की थी कि अपने होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को हाईजैक करके रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को। अगर जब हम डिस्कवरी की बात करें, तो हम 1884 से ये कहानी लेकर चलेंगे। इस कहानी को आप 1796 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एडवर्ड जीनर से। लेकिन याद रखिए, एडवर्ड जीनर जो है उसने एक्चुअली डिस्कवरी की थी वैक्सीन की अगेंस्ट द वायरस, यानी कि वो वायरस की डिस्कवरी एडवर्ड जीनर के खाते में नहीं जाती, वो वायरस के अगेंस्ट जो आप कहें कि वैक्सीन की डिस्कवरी का क्रेडिट है, वो एडवर्ड जीनर को जाता है। तो अगर थोड़ी देर के लिए उस कहानी को समअप कर लें और उसको जरा साइड पे कर दें,
तो वो कहानी कुछ इस तरह से थी कि एडवर्ड जीनर ने 1796 में एक 8 साल के बच्चे को वैक्सीनेट किया था उस वक्त की फेटल डिजीज स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, और उसने ऑब्जर्व ये किया था कि जो गॉथन सैथिला है यानी जो मिल्क मेड है, मिल्क मैन है, उसको जब काओ पॉक्स हो जाता है तो उसके बाद उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो इस हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर उसने क्या किया कि एक 8 साल के बच्चे को जो काओ पॉक्स के लेजन्स थे वहां से मटेरियल निकाल के इंजेक्ट किया, और ठीक 6 हफ्ते के बाद उसने स्मॉल पॉक्स के लेजन से मटेरियल लेके उस बच्चे में इंजेक्ट किया, तो उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। और इस तरह सक्सेसफुली तकरीबन 23 लोगों को एडवर्ड जीनर ने उस जमाने के अंदर वैक्सीनेट किया था। अब एडवर्ड जीनर नहीं जानता था कि जो वो मटेरियल निकाल रहा है उस मटेरियल के अंदर कौन से एजेंट मौजूद हैं, और उसे इवन ये भी नहीं मालूम था कि ये क्या वजह है कि स्मॉल पॉक्स के लेयन से मटेरियल निकाल के इंजेक्ट करने के बाद, जब सॉरी काउ पॉक्स के लेयन से मटेरियल इंजेक्ट करने के बाद जब हम स्मॉल पॉक्स के लेयन से मटेरियल निकाल के इंजेक्ट कर रहे हैं तो किस वजह से डिजीज नहीं हो रही। और इवन के ये जो वैक्सीनेशन की टर्म है ये भी एडवर्ड जीनर ने नहीं बनाई, ये निकाली, ये आपके पास लुइस पास्चर का काम है। लुइस पास्चर ने इस प्रैक्टिस को वैक्सीनेशन कहा था, और वैक्सीनेशन कहने की वजह ये है कि लैटिन के अंदर काओ को वैका कहते हैं, और जो पहली वैक्सीन बनी उसमें काओ पॉक्स के लेयन का मटेरियल यूज हुआ, तो इस वजह से उसे वैक्सीनेशन का नाम दिया था लुइस पास्चर ने। तो ये जो कहानी है ये वैक्सीन की डिस्कवरी की कहानी है अगेंस्ट अ वायरस, और इसका क्रेडिट आपके पास एडवर्ड जीनर को जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ वायरस के हवाले से कि वायरस की डिस्कवरी किस तरह से हुई और उनमें किन किन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन रहे हैं। तो जी 1884 से बात स्टार्ट करते हैं। चैम्बरलैन जो कि लुइस पाश्चर के एसोसिएट रहे हैं, इन्होंने एक फिल्टर पेपर बनाया जी, जिसे हम कहते हैं चैम्बरलैन फिल्टर पेपर, और इसके पोर्स इतने स्मॉल थे कि कोई भी बैक्टीरिया उसके अंदर से स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया उसके अंदर से गुजर नहीं सकता था। तो चैम्बरलैन ने एक चीज ऑब्जर्व की जी कि जो रैबिस के एजेंट हैं, जो आप हम जानते हैं कि रैबिट डॉग्स के, फॉक्स के बैट्स वगैरह के काटने से होती है, तो रैबिस के जो एजेंट हैं वो चैम्बरलैन फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं, इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया नहीं है। इसी तरह जी 1892 के अंदर डिमिट्री आइवानोव्स्काई ने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज है उसका जो एजेंट है वो भी चैम्बरलैन फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। इन्होंने एक पत्ता लिया जिसपे टोबैको मोज़ेक डिजीज हुई थी, उसे ग्राउंड किया, देन जब उसको उस मटेरियल को फिल्टर किया तो जो फिल्ट्रेट आया उसके अंदर कोई ऑब्वियसली बैक्टीरिया मौजूद नहीं होगा। तो जब वो फिल्ट्रेट इन्होंने एक हेल्दी लीव के ऊपर डाला तो उस हेल्दी लीव को क्या हो गई, टोबैको मोज़ेक डिजीज हो गई। इट मींस कि जो वो फिल्ट्रेट है इसके अंदर वो एजेंट आ गया है जो ये डिजीज करता है, और वो बैक्टीरिया नहीं हो सकता, वो बैक्टीरिया से कोई छोटा एजेंट है। सिमिलरली जी 1898 में मार्टिनस बेजरनिक ने ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको आप कह लें दोहराया, और सेम इसी रिजल्ट पे वो पहुंचे कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज का एजेंट है वो फिल्टर जो है वो हो जाता है चैम्बरलैन फिल्टर पेपर से, और इन्होंने देखा कि ये जो एजेंट है ये सिर्फ डिवाइड करता है उस वक्त जब ये लिविंग सेल्स के अंदर मौजूद होता है। तो बेजरिनिक ने इस एजेंट को वायरस का नाम दिया, ठीक है जी। तो जो वायरस का नाम दिया है इस फिल्टरेबल एजेंट को वो बेजरिनिक ने दिया। अब बेजरिनिक का खुद का जो ख्याल था, क्योंकि वो इसकी पर्टिकुलर नेचर को नहीं समझ पाए कि ये फिल्ट्रेबल एजेंट किस तरह का है, तो उनका ख्याल था कि यह शायद कोई फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, और उसी वजह से उन्होंने इसका नाम रखा था कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, यानी कि सॉल्युबल लिविंग जर्म का। नेक्स्ट जी आपके पास 1915 के अंदर ट्वार्ट ने एक चीज डिस्कवर की, उन्होंने देखा कि कुछ जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज हैं उनके अंदर लाइसिस हो जाती है, बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं, वो ब्रेक होते हैं, देन डिसॉल्व एंड डिसअपीयर। सिमिलरली 1917 में डी हैरल ने भी ये चीज ऑब्जर्व की, और जिस वजह से वो जो चीज बैक्टीरिया को मार रही है जी उसका देन इन्होंने नाम रख दिया बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरिया इटर। तो जो बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी है बेसिकली वो ट्वार्ट और डी हैरल के खाते में जाती है। 1931 में जी आप कहें कि ब्रेक थ्रू हमें मिला, वो ये कि आपके पास अर्नेस्ट विलियम गुड पास्चर ने जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसे ग्रो कर लिया
फर्टिलाइज्ड चिकन एग के अंदर। नॉर्मली जो वायरस है उन्हें आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर कल्चर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ग्रोथ के लिए उन्हें सेल चाहिए। तो वायरसेस के जो आप कहेंगे पहली दफा जो लेबोरेटरी के अंदर कल्चर था वो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, चिकन एग के अंदर करवाने में गुड पास्चर जो है वो कामयाब हुए। देन 1935 के अंदर स्टेनले ने क्या किया जी, तो मैकोमुजेक वायरस को पहली दफा क्रिस्टलाइज कर लिया था और इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज जो है वो भी मिला। नोबेल प्राइज का 1/4 इन्होंने शेयर किया जी 1946 के अंदर अपनी इस काम की बदौलत। नेक्स्ट हम चलते हैं जी वायरसेस के जनरल स्ट्रक्चर के हवाले से। तो जैसे हमने बात की थी कि वायरसेस जो उनसे हैं वो दो ही चीजों पर मुश्तमिल होते हैं बेसिकली, एक न्यूक्लिक एसिड और एक प्रोटीन का कोट जो उस न्यूक्लिक एसिड के बाहर मौजूद होता है। तो वो जो प्रोटीन का शेल है उसे एक्चुअली हम कहते हैं कैप्सिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड को कवर कर रहा है। अब ये जो कैप्सिड है जी ये छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स से मिलकर बनता है और इन यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमर्स। और याद रखिए कि जो कैप्सोमर्स हैं वो डिफरेंट वायरसेस के अंदर उनके कैप्सिड के अंदर कैप्सोमर की तादाद डिफरेंट होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक वायरस के अंदर जो कैप्सोमर का नंबर है वो उसकी करेक्टरिस्टिक नंबर है। चाहे आप उस वायरस को पाकिस्तान से उठा लें, चाहे इंडिया से उठाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से उठाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें TMB वायरस की, तो इसके कैप्सोमर में हमेशा, इसके कैप्सिड में हमेशा 2130 कैप्सोमर मिलेंगे आपको। अगर आप अडीनो वायरस की बात करोगे तो इसके आपको कैप्सिड में 252 कैप्सोमर मिलेंगे। इसी तरह अगर आप हर्पिस वायरस की बात करोगे तो उसके कैप्सोमर के अंदर आपको 162 कैप्सोमर मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए, जस्ट कैप्सोमर ही नहीं, कैप्सोमर के अंदर जो अमाइनो एसिड हैं इनकी तादाद भी फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर TMB वायरस के हर कैप्सोमर के अंदर जो अमाइनो एसिड हैं वो 158 होंगे। क्लियर है जी? तो कैप्सिड किससे मिलकर बना हुआ है? कैप्सोमर से मिलकर बना है। और हर जो एक वायरस है उसके अंदर एक स्पेसिफिक, एक करेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ कैप्सोमर मौजूद होता है। चाहे आप दुनिया के जिस मर्जी कोने से उसको उठा लें, उसी के अंदर उतने ही कैप्सोमर मौजूद होंगे और हर एक कैप्सोमर के अंदर जी देन स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। अब ये कैप्सिड काम क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है जी? तो सबसे पहले तो कैप्सिड क्या कर रहे हैं, वायरल जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा वायरस को एक होस्ट से नेक्स्ट होस्ट तक ट्रांसमिट होने में मदद दे रहे हैं। उसके अलावा जी जब पैकेजिंग का काम हो रहा होता है तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैप्सिड के अंदर आकर पैक होता है, तो पैकेजिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा जी आप कहें कि जो वेक्टर है, जो स्पेसिफिक ट्रांसमिशन हो रही है, तो ये वेक्टर के साथ उस ट्रांसमिशन की इंट्रैक्शन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जो रिसेप्टर है होस्ट का, उसके साथ बाइंडिंग में हेल्प दे रहे हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड जो है वो होस्ट के अंदर एंटर होता है, उसकी एंट्री के अंदर जो है कैप्सिड अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये डिफरेंट रोल्स हैं आपके पास कैप्सिड के हवाले से। न्यूक्लिक एसिड की बात करें जी अगर हम, तो अभी हमने बात की कि चार तरह का हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है, जैसा कि हमारे पास पॉक्स वायरसेस के अंदर होता है, हर्पिस वायरसेस के अंदर होता है, या सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हो सकता है जैसा कि पार्वो वायरसेस के अंदर होता है, या ये डबल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है जी जैसे कि ये फिलियो वायरस और एरिना वायरस में होता है, और या ये जी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है जैसा कि ये रियो वायरसेस के अंदर होता है। अब ये जो आपके पास न्यूक्लिक एसिड है ये लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, ये सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है। और याद रखें जो स्मॉलेस्ट आपके पास जीन्स हैं वायरस किसी की, वो चार जीन्स हैं, जबकि जो लार्जेस्ट वायरस है उसके अंदर जीन्स की तादाद हंड्रेड्स के अंदर पहुंच पाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी इनवेलप के हवाले से। तो नॉर्मली जी आपके पास जो वायरसेस हैं उनके दो ही पार्ट्स हैं, एक कैप्सिड होता है और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। खास तौर पर जितने भी जी प्लांट वायरसेस हैं या बैक्टीरियोफेज हैं वो तमाम कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड रखते हैं, उनके गिर्द ये इनवेलप मौजूद नहीं होता। ये जो इनवेलप है जी ये कुछ एनिमल वायरसेस की करेक्टरिस्टिक है, सारे एनिमल वायरसेस की भी ये करेक्टरिस्टिक नहीं है। अब कुछ एनिमल वायरसेस क्या करते हैं, वो अपने होस्ट से एक मेम्ब्रेन ले लेते हैं और उसे अपने कैप्सिड के गिर्द जो उनसे है वो चढ़ा लेते हैं, और उस मेम्ब्रेन को हम इनवेलप कहते हैं। ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं जी इनवेलप्ड वायरसेस।
जबकि कुछ वायरसेस जो उनसे उनके गिर्द ये मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जस्ट कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड मौजूद है इनमें, उन्हें हम कहते हैं जी नेकेड वायरसेस। इनवेलप्ड वायरसेस के हवाले से याद रखिए कि इनवेलप्ड वायरसेस जो उनसे हैं, बाज़ बात उनके इनवेलप के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स जो उनसे हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो कि उनको अटैचमेंट के पर्पज में हेल्प दे रहे होते हैं। तो ये चीज आपके पास नेकेड वायरस है जिसके अंदर कोई इनवेलप मौजूद नहीं है, और ये आपके पास इनवेलप्ड वायरस है जिसमें आप देख रहे हो कि कैप्सिड के बाहर जो है एक इनवेलप मौजूद है जो वो अपने होस्ट से ही हासिल करेगा। नेक्स्ट ये आप यहाँ में मजीद देख रहे हो, ये एक आपके पास जस्ट कैप्सिड है जी, नेकेड कैप्सिड है, और देन उसके गिर्द जो है आपके पास इनवेलप आ गया, तो अब हम इसे इनवेलप्ड वायरस कह देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक और चीज के वायरसेस की शेप डिफरेंट हो सकती है। ये आपके पास जो इस तरह की शेप होती है जिसके 20 फेसेस होते हैं, जैसे होते हैं, इसे हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल, और ये आपके पास हेलिकल शेप है। इस तरह वायरसेस आपके पास स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, टेडपोल शेप के हो सकते हैं, रॉड शेप के हो सकते हैं, जैसे ये आपको टोबैको मोज़ेक वायरस का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी इनवेलप्ड वायरसेस की प्रॉपर्टीज के हवाले से। तो इनवेलप्ड जो वायरसेस होते हैं, याद रखिए वो इन चार चीजों से सेंसिटिव होते हैं, ड्राइंग से, हीट से, डिटर्जेंट्स से और एसिड से। तो जो इनवेलप है वो इन चीजों से सेंसिटिव होता है। अब इनवेलप्ड वायरसेस के हवाले से अगर हम बात करें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से, तो अगर इन्होंने ट्रांसमिट होने जी, तो ट्रांसमिट होने के लिए इन्हें वेट रहना पड़ेगा, और वेट रहने के लिए जी क्या होता है, अमूमन ये ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स या सेक्रेशंस के फॉर्म में। तीसरी चीज याद रखिए कि ये जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जाते हैं तो वहां पे ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं जी, और ये यानी कि जब एक होस्ट पर इन्होंने हमला कर दिया, वहां इन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लिया, वहां से इन्होंने किसी दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट होना है, तो जरूरी नहीं है कि ये फौरन जो है अपने पहले होस्ट सेल को मार देंगे। और आखिरी और इम्पोर्टेंट बात याद रखें कि जो आपके पास इनवेलप्ड वायरसेस हैं, इसके हवाले से कि ह्यूमरल और सेलुलर इम्यून रिस्पांस दोनों रिक्वायर हो सकते हैं इन जो इनवेलप्ड वायरसेस हैं इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आगे अगर हम नेकेड वायरसेस के हवाले से बात करें, तो याद रखिए कि ये रेजिस्टेंट हैं, ठीक है जी, सेंसिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, ये रेजिस्टेंट है जी, किसके अगेंस्ट, ड्राइंग के अगेंस्ट, हीट के अगेंस्ट, डिटर्जेंट, एसिड और प्रोटीएजेस के अगेंस्ट। तो कॉन्सिक्वेंसेस की बात अगर करें, तो जैसे कि हमने बात की कि प्रोटीएजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि आपकी जीआईटी के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। ड्राइंग के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, तो इट मीन्स कि ड्राइंग हो भी अगर, तो ये जो है ये अपनी आप कह लें कि ये इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है जी, एक्टिव रहेंगे, यानी इनको किसी ड्रॉप की, किसी सेक्रेशन की जरूरत नहीं होती ट्रांसमिट रहने के लिए। फिर ये सरवाइव कर सकते हैं जी कहां पर, एनवायरमेंटल सरफेसेस के ऊपर, ये फॉर्मिटीज से इजीली स्प्रेड हो सकते हैं। फॉर्मिटीज में हमारे रोजमर्रा की चीजें आ जाती हैं, जैसे यूटेंसिल्स आ जाते हैं, क्लॉथ्स आ जाते हैं, फर्नीचर आ जाता है, यहां से ये इजीली जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसके अलावा जी अगर इन्होंने एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट होना है, तो पहले होस्ट को ये मारते हैं, देन वहां से ये निकल के दूसरे होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, और न्यूट्रलाइज करने के लिए इनको जो ह्यूमरल रिस्पांस होता है वो तकरीबन सफिशिएंट होता है जी। तो ये आपके पास एक बेसिक वायरस का स्ट्रक्चर है जी। डीएनए हो सकता है वायरस में एज न्यूक्लिक एसिड, या आरएनए हो सकता है, देन उसके गिर्द अगर प्रोटीन का कोट है, तो इसको हम कलेक्टिवली यानी न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड, इसे कलेक्टिवली हम कहेंगे न्यूक्लियो कैप्सिड, और ये आपके पास होगा जी नेकेड वायरस। और अगर न्यूक्लियो कैप्सिड के गिर्द आपके पास जो जो कोई एक मेम्ब्रेन है जो उसने होस्ट से ली हुई है वो बेटा मौजूद है, तो उसे हम कहेंगे इनवेलप्ड वायरस। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है जी कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो तीन टूल्स हैं, तीनों के नाम याद रखिएगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए हम स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं जी। इसके अलावा कायरो ईएम जो है आपके पास
गायरो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है, इससे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सरे जो डायफ्रेक्शन का प्रोसेस है जी, इसकी मदद से हम वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। खास तौर पे जो नेकेड वायरसेस हैं उनके लिए एक्सरे डायफ्रेक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी क्लासिफिकेशन के हवाले से। तो क्लासिफिकेशन के हवाले से हम वायरसेस को डिफरेंट, आप कह लें कि हमारे पास बेसिस है जिन पे क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हम पहली क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, होस्ट की बेस के ऊपर। तो अगर होस्ट एनिमल है तो उसे हम एनिमल वायरसेस कहेंगे, जैसे रेबिस है आपके पास, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, मम्प्स है। तो इन सब का जो आपके पास होस्ट होता है वो एनिमल होता है, इसलिए एनिमल वायरसेस हैं। देन आपके पास प्लांट वायरसेस हैं, यानी जिनका होस्ट आपके पास प्लांट होगा, जैसे आपके पास TMV है, बनाना स्ट्रीक वायरस है, कैरेट थिन लीफ है, ये सारे वायरसेस जो हैं ये प्लांट वायरसेस हैं। और फिर अगर वो होस्ट के तौर पे बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे, जिसमें आपके पास T1, T2, T3 और T4 वगैरह शामिल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जी क्लासिफिकेशन की जीनेटिक बेस के ऊपर। जैसे हमने बात की थी कि हम वायरसेस को DNA वायरसेस कहेंगे अगर उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड DNA का मौजूद है, और RNA वायरसेस कहेंगे अगर उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ RNA मौजूद होता है। ठीक है जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा DNA वायरसेस के हवाले से कि DNA वायरसेस जो उनसे हैं जब वो होस्ट पे अटैक करते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करवाते हैं। और अमूमन ये अटैक भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर करते हैं जिनका जीनोम सेम हो, यानी DNA वायरस जो है वो DNA रखने वाले होस्ट के ऊपर अमूमन अटैक करता है। जबकि जो RNA वायरसेस होते हैं जिनके अंदर RNA जीनोम है, ये RNA जबकि DNA रखने वाले दोनों होस्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर ये DNA वाले होस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने सबसे पहले अपने RNA से DNA बनवाना होता है। ठीक है जी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, DNA से RNA बनता है, लेकिन ये RNA वायरसेस क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मली ये RNA से DNA बनवा रहे हैं। ठीक है जी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, और इसके लिए इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है। तो ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं रेट्रो वायरसेस। याद रखिए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हर RNA वायरसेस वायरस के अंदर नहीं होता, ये हम एनिमल्स की कैटेगरी के हवाले से बात कर रहे हैं। जो अमूमन ज्यादातर आपके पास प्लांट वायरसेस हैं वो है ही RNA वायरसेस, लेकिन उनके अंदर इस तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इतना नहीं हो रहा होता है जी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जी वायरसेस के हवाले से कि आया कि उनके अंदर इनवेलप मौजूद है या नहीं मौजूद। तो अगर आपके पास इनवेलप होगा तो इनवेलप वायरसेस होंगे, और अगर नहीं होगा तो वो आपके पास नॉन इनवेलप वायरसेस होंगे। अगर आप क्लासिफिकेशन को मजीद समझना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि वायरसेस को हम किन किन जो है वो ग्रुप्स के अंदर, किन किन सब फाइलम्स में, किन किन क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, तो 1979 के अंदर जी आपके पास बाल्टीमोर ने क्लासिफिकेशन दी थी वायरसेस की। आप अगर स्टडी करना चाहें उसको तो आप जरूर कर सकते हैं जी। यहाँ पर हम जस्ट एक ओवरव्यू के लिए कुछ DNA वायरसेस को देखेंगे जो कि एनिमल्स के अंदर हैं जी, जैसे कि पॉक्स वायरसेस हैं। ये DNA वायरसेस हैं, ये अमूमन स्किन के ऊपर अटैक करते हैं और स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स जैसी डिजीजेस कॉज करते हैं। इसके अलावा जी हर्पेस वायरस ग्रुप है, इसके जो वायरसेस हैं जब वो अटैक करते हैं तो वो काफी देर के लिए बॉडी के अंदर रहते हैं, अमूमन कई दफा तो वो पूरे के पूरे होस्ट के लाइफ स्पैन तक उसकी बॉडी का हिस्सा रहते हैं। ये काफी देर के लिए डॉर्मेंट रहते हैं, देन कुछ वक्त आता है ये एक्टिव होते हैं और उसके बाद अगेन डॉर्मेंट हो जाते हैं। इनके अंदर कोल्ड सोर्स, शिंगल्स और चिकन पॉक्स के डिजीजेस जो कॉज करने वाले वायरसेस हैं वो आ जाते हैं। देन जी एडिनो वायरस ग्रुप आ जाता है, इसमें कैटार्स जो कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप कहें कि इन्फेक्शन है, और जो कंजुक्टिवाइटिस है इसको कॉज करने वाले वायरसेस आ जाते हैं। तो ये सारे DNA वायरसेस हैं एनिमल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट हम वायरल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। वायरल रिप्रोडक्शन जो है जी, जैसे हमने पहले बात की कि ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट के अंदर होगी, होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को हाईजैक करके होगी। अब इस रिप्रोडक्शन के कितने प्रोसेसेस हो सकते हैं, पहला प्रोसेस है जी एड्सॉर्प्शन, जिसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने वायरस ने अपने होस्ट के साथ आकर अटैच होना है। जब वो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पे अटैच हो जाता है देन वो अपने वायरस जो है क्या करता है, होस्ट के अंदर पेनिट्रेट करता है। बास केसेस के अंदर क्या होता है, लाइक प्लांट
वायरसेस की अगर हम बात करें या हम बैक्टीरियोफेज की बात करें, तो वो जस्ट अपना न्यूक्लिक एसिड जो है वो अपने होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, कैप्सूल उनका बाहर का बाहर रह जाता है। लेकिन अगर हम एनिमल वायरसेस की बात करें तो वो पूरे के पूरे कैप्सिड समेत जो है वो क्या करते हैं जी, अपने होस्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, देन उनका कैप्सिड होस्ट के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट होता है और वहां से उसका न्यूक्लिक एसिड बाहर निकलता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे अनकोटिंग, ठीक है जी। तो पेनिट्रेशन हो रही है अगर कैप्सिड समेत हो रही है तो देन अनकोटिंग होगी, उसके बाद जो वायरस है वो बायोसिंथेटिक मशीनरी पे कब्जा करेगा और अपने लिए कैप्सिड और आरएनए तैयार करवाएगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सिंथेसिस। फिर उनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लिक एसिड बनवाने के बाद वो कैप्सिड के अंदर उसे एंटर करेंगे, वो बड़ा असेंबली कहलाएगा, और उसके बाद जब मेच्योर जो वायरस है उनकी असेंबली कंप्लीट हो जाती है तो वो उस सेल से बाहर निकल जाते हैं, इसे उस वायरसेस का रिलीज कहेंगे। अब यहाँ पर हम वायरल रिप्रोडक्शन को दो हवाले से देख लेंगे। सबसे पहले जी हमारे पास बैक्टीरियोफेज के हवाले से हम देखते हैं, तो बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया के ऊपर हमला करते हैं, बैक्टीरिया को एज होस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हो क्या रहा है जी, सबसे पहले तो जो बैक्टीरियोफेज है इसके दो बेसिकली पोर्शन होते हैं, हेड पोर्शन होता है जिसके अंदर डीएनए होता है और एक जिसका टेल पोर्शन होता है जी। टेल पोर्शन जो है ये अपने होस्ट के स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होता है और वीक फोर्सेस वहां पे जनरेट होती हैं जी। उसके बाद जो इसकी टेल शीट है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसका जो बल्कि इससे पहले क्या होगा, जैसे अटैचमेंट होती है सॉरी, तो इसके टेल से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की उसको डाइजेस्ट कर देता है। अब जब सेल वॉल डाइजेस्ट होती है उसके बाद टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट करती है और टेल का कोर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुसा दिया जाता है। जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है उसके बाद जो है ये बिल्कुल एक सिरिंज की तरह क्या करता है बैक्टीरियोफेज, अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है इनकॉर्पोरेट कर देता है। तो पहले वो अटैच होता है, अटैचमेंट के बाद वो क्या करता है उसकी टेल जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम खारिज करती है, वो सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देता है, उसके बाद टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट करती है और टेल कोर जो है वो नीचे जो है वो धंस जाता है सेल मेम्ब्रेन में और उसके बाद जो है डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट होता है तो ये बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी के ऊपर कब्जा कर लेता है, कब्जा करने के बाद ये अपने लिए नए कैप्सिड बनाता है, अपने लिए नया डीएनए तैयार करवाता है। इस प्रोसेस को हम जैसे देख के आए, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जी, एड्सॉर्प्शन हुई, पेनिट्रेशन हुई और देन सिंथेसिस हो गई है, ठीक है जी। सिंथेसिस के बाद आपके पास असेंबली होती है कि जो आपके पास डीएनए है वो कैप्सिड के अंदर चला गया और जब आपके पास असेंबली का प्रोसेस होता है तो उसके बाद रिलीज हो जाता है और रिलीज में आप देखें कि जो आपके पास बैक्टीरिया है उसको इन्होंने क्या कर दिया, बर्स्ट कर दिया है, उसके इन्होंने मार दिया, किल कर दिया। तो ये जो आपके पास साइकिल होता है इस साइकिल को हम कहते हैं लिटिक साइकिल, और ये जो वायरस आपके पास जो बैक्टीरियोफेज आपके पास ये साइकिल कर रहा है उसे हम कहेंगे लिटिक फेज या वायरुलेंट फेज, क्लियर है जी। तो वायरुलेंट या लिटिक फेज क्या करता है कि जैसे ही एंटर होता है बैक्टीरिया के अंदर रेप्लीकेट करता है और बैक्टीरिया को मार देता है। जबकि दूसरा एक साइकिल होता है उसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक सेल साइकिल में क्या होगा कि फेज अपना डीएनए इनकॉर्पोरेट करते हैं जी सेल के अंदर, और सेल के अंदर डीएनए जब जाता है बैक्टीरिया में तो वो जाकर वहां बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मर्ज हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ग्रीन सा जो ये आपके पास वायरल डीएनए है ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मर्ज हो गया है। जब ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मर्ज हो जाएगा तो अब इस केस के अंदर ये बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस केस के अंदर इस बैक्टीरिया इस जो डीएनए है जो बैक्टीरिया के अंदर आपके पास मर्ज कर गया है इसको हम कह देंगे प्रोफेज। तो बैक्टीरिया के अंदर जब वायरस का डीएनए मर्ज कर जाए दैट डीएनए दैट वायरल डीएनए उसे हम प्रोफेज कहते हैं, क्लियर है जी। अब देखें ये बैक्टीरिया नॉर्मली रेप्लीकेट कर रहे हैं और क्योंकि ये बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट है और बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए डिवाइड करता है तो इसलिए जितने भी नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे सबके डीएनए के साथ साथ वायरल का डीएनए जाता जाएगा। फिर क्या होता है अंडर सम स्ट्रेस कंडीशंस लाइक फॉर एग्जांपल आप क्या करो यूवी रेडिएशन इंड्यूस कर दो इनको तो आप देखोगे कि जो प्रोफेज है ये अलग हो जाता है, ये बैक्टीरिया के डीएनए से अलग हो जाता है और जब ये अलग हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन।
और जैसे ही इंडक्शन हो जाती है तो अब ये जो आपके पास वायरल डीएनए है ये अपने लिए नए कैप्सिड बनाएगा, अपने लिए नया डीएनए बनाएगा, यानी सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, असेंबली होगी, और असेंबली के बाद क्या होगा, रिलीज होगा, जिसके अंदर ये सेल को क्या करेगा, बर्स्ट कर देगा। तो नॉर्मली स्ट्रेस कंडीशन आने से पहले पहले वो प्रोफेज की सूरत के अंदर बैक्टीरिया के अंदर सुकून से रह रहा था, और स्ट्रेस आने पर उसने लिटिक साइकिल स्टार्ट किया, वैसे वो लिटिक साइकिल की तरफ नहीं गया। तो इस साइकिल को हम कहते हैं जी लाइसोजेनिक साइकिल, और इस तरह का जो फेज होता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट फेज, या उसे हम कहते हैं लाइसोजेनिक फेज। दूसरा हम बात करेंगे जी लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी के हवाले से। तो एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जी, और ये अमूमन अटैक करता है व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर, स्पेसिफिकली हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। और जब ये टी लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो जनरल लॉस है वो हो जाएगा इम्यूनिटी का, इसके अलावा लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाती हैं, वेट लॉस हो जाता है, इसके अलावा आपके पास निमोनिया जो है वो हो जाता है एचआईवी के अटैक के बाद, और आपके पास वास्कुलर कैंसर जो है वो भी कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो देखा गया है। तो एचआईवी जो है ये सारी सिम्टम्स जो है वो इंड्यूस करते हैं जी, और इस डिजीज को, इसको बल्कि हम सिंड्रोम कहेंगे, सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ डिजीज। तो एचआईवी की जगह की वजह से जो सिंड्रोम हो रहा है दैट इज एड्स, जिसके ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब एचआईवी की इस साइकिल को समझने से पहले जरा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे अगर हम बात कर लें, तो एचआईवी जो है जी आपके पास ये तकरीबन 1980s के अंदर कुछ यंग मेल्स के अंदर जो है ये डिजीज जो है नमूदार होना शुरू हुई, और वो जितने भी मेल्स थे वो सारे के सारे होमोसेक्सुअल थे, और उसके बाद कुछ ही अरसे बाद ये डिजीज जो है ये ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी आना शुरू होगी जो होमोसेक्सुअल नहीं है। लेकिन जब उनकी हिस्ट्री देखी गई तो हिस्ट्री देखने के बाद पता लगाया कि इन पेशेंट्स ने जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, यानी इन्होंने किसी ना किसी को ब्लड दिया है या वहां से ब्लड लिया है। 1984 में देन आपके पास जाकर जो पास्टर इंस्टीट्यूट है फ्रांस में और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है यूएसए का, इन्होंने जो एड्स है इसका एजेंट जो है वो डिस्कवर किया, जिसे हमने एचआईवी का नाम दिया 1986 के अंदर। तो डिस्कवरी हुई थी इसकी 1984 में, और जो एचआईवी का नाम दिया गया इसको वो 1986 के अंदर दिया गया था। अब इसका लाइफ साइकिल क्या है जी, ये क्या करता है, आपके पास जो लिम्फोसाइट है उसके ऊपर स्पेसिफिकली CD4 रिसेप्टर साइट्स मौजूद होते हैं, ये आकर उसके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है जी। जैसे इसकी मेम्ब्रेन उसके साथ अटैच होती है आके, ये मेम्ब्रेन जो है लिम्फोसाइट की मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाती है, और ये जो कैप्सिड है ये सेल के अंदर आ जाता है। सेल के अंदर आने के बाद ये अनकोट होता है, अनकोट होकर ये क्या करता है जी, अपना जो आरएनए है वो सेल के अंदर आजाद हो गया अब इसका, और आप देख रहे हो कि डबल स्टैंड ऑफ आरएनए मौजूद है, दो आरएनए मौजूद है। इसी तरह ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो जैसे ही आरएनए अंदर आएगा, ये आरएनए क्या करता है, इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये आरएनए स्टैंड एज टेम्पलेट यूज होता है, और इसके अगेंस्ट डीएनए का स्टैंड बना लिया जाता है। जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है जी, तो आरएनए के स्ट्रैंड को खत्म कर दिया जाता है, और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड बना है इसको यूज करके एज टेम्पलेट एक और डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो बना लिया जाता है। अब ये जो आपके पास डीएनए बन गया है जी, ये बनने के बाद न्यूक्लियस में चला जाता है, और जो आपके पास क्रोमोसोम है टी लिम्फोसाइट का, जो आपके पास वहां पर डीएनए मौजूद है ह्यूमंस का, उसके साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। जब ये उसका हिस्सा बन जाता है तो अब इस वायरस को, इस डीएनए को हम कहेंगे प्रो वायरस। ये जो डीएनए है जो कि वायरस के आरएनए से बना है, इसे हम प्रो वायरस कह देंगे। तो इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये क्या करता है जी, अपने लिए नया जो है आरएनए बनवाता है, अपने लिए जो है जी वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनवाता है, इसके अलावा अपने लिए ये जो मेम्ब्रेन के लिए इसको स्पेसिफिक स्पाइक्स चाहिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स चाहिए, गोल्जी बॉडीज की मदद से ये बनवाता है। तो इस तरह से ये अपना जो कह लें कि सारा सिंथेसिस का प्रोसेस है वो करता है। उसके बाद असेंबली होती है जी। असेंबली के अंदर क्या होता है, कैप्सूल जो है उसके अंदर आप बस आरएनए और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जा रहे हैं, और देन ये वायरस जो है ये बड ऑफ कर जाता है इस टी लिम्फोसाइट के साथ, ठीक है जी। और आप देखो कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है उसने टी लिम्फोसाइट को भी
मारा नहीं है, लेकिन जितनी बडिंग होती जाएगी उतना ही ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन का साइज भी क्या है छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली टी लिम्फोसाइट की डेथ तो होनी है। तो ये आपके पास लाइफ साइकिल था जी एचआईवी का। तो एचआईवी का तो हमने रिप्रोडक्शन जो है वो दो हवाले से देख ली, बैक्टीरियोफेज के हवाले से देख ली और एचआईवी के हवाले से देख ली। अब हम कुछ और वायरस के डिजीजेस के ऊपर बात करेंगे, लाइक हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस को जी हम कॉमनली कहते हैं लिवर की इन्फ्लामेशन, और ये जो हेपेटाइटिस है ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से वायरस की वजह से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इवन अब एफ और जी हेपेटाइटिस जो है वो भी डिस्कवर हो चुका है। तो हेपेटाइटिस जो ए है जी, अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो ये जिस वायरस की वजह से हो रहा है हेपेटाइटिस ए, उसे हम कहते हैं एच ए वी वायरस। और इस हेपेटाइटिस ए का जो पुराना नाम था वो था जी इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। तो जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है यानी हेपेटाइटिस ए है, ये एच ए वी वायरस की वजह से होता है और नॉर्मली ये फीसिस से ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड पर्सन के। और याद रखिए एच ए वी वायरस जो है ये आर एन ए वायरस है, नॉन इनवेलप्ड आर एन ए वायरस है। अगर हम एच बी वी की बात करें तो एच बी वी एक ऐसा वायरस है जो हेपेटाइटिस बी करवाता है, और ये जो एच बी वी है ये आपके पास आर एन ए सॉरी डी एन ए वायरस है, और ये जो एच बी वी है इसे हम कॉमनली यानी जो जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी हो रहा है इसे हम सीरम हेपेटाइटिस भी कह रहे हैं। सीरम हेपेटाइटिस कहने की वजह क्या है कि जो एच बी वी का ट्रांसफर है ये होता है जी नॉर्मली ब्लड के जरिए, ये नॉर्मली होता है जी ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए, अमूमन कुछ केसेस में स्लाइवा के जरिए भी रिपोर्ट हुआ है। तो ये जो क्योंकि ये इन फ्लूइड से ट्रांसमिट हो रहा है तो देन इसलिए इसको हम सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो एच बी वी वायरस हेपेटाइटिस बी करवाता है जिसे सीरम हेपेटाइटिस कह रहे हैं, और ये डीएनए वायरस है आपके पास। देन आपके पास एच सी वी आ जाते हैं। एच सी वी जो है ये एक ऐसा वायरस है जो हेपेटाइटिस सी करवाता है। पहले हम हेपेटाइटिस सी को जी नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते थे, और ज्यादातर जो हेपेटाइटिस सी है नॉर्मली बेटा कब होता है, ये प्रेगनेंसी के वक्त होता है, जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो उस वक्त जो है मदर से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसफर हो जाता है। तो एज कम्पेयर टू ए और बी, हेपेटाइटिस सी जो है वो इतना सीवियर नहीं है, लेकिन अगर ये क्योंकि ये बहुत देर तक रहता है, इसका जो वायरस है वो काफी देर तक डॉर्मेंट स्टेज में भी रहता है, तो ये बाज़ुकात क्रॉनिक लिवर डिजीज जरूर कॉज कर देता है। इसके अलावा जी आपके पास हेपेटाइटिस डी है, ये डेल्टा वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस ई के हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जो हेपेटाइटिस ई है ये पिग से जो है वो ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ सिम्टम्स के हवाले से, हेपेटाइटिस की क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हेपेटाइटिस के सिम्टम है जी, उसमें आपके पास आ जाता है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्यों होता है, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर से बाइल का रिलीज है ये इतना वायरस जो है फैलता है कि ये उस जो रिलीज है उसको रोक देता है, उसमें इंटरफेरेंस कॉज करता है, जिसकी वजह से जो बाइल पिगमेंट्स है वो रिलीज नहीं हो पाते और वो ब्लड के अंदर ही अकोमोलेट होना शुरू हो जाते हैं, और इस वजह से जो आपके कलर है यानी बॉडी का आंखों का वो येलो हो जाता है, और इसको हम जॉन्डिस कहते हैं, जिसे कॉमनली हम पीला यरकान भी कहते हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन बहुत कॉमन होता है जी, लिवर की इन्फ्लेमेशन है ऑब्वियसली हेपेटाइटिस, तो लिवर इनलार्ज हो जाएगा, थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है जी। तो ये सारी जो है ये आपके पास हेपेटाइटिस की सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आपके पास जी आ जाती हैं कुछ और डिजीजेस, लाइक मीजल्स आ जाती है जी आपके पास। मीजल्स के अंदर आप अमूमन ये बच्चों की डिजीज है मीजल्स, और नेक्स्ट डिजीज जो डिजीज है मम्प्स। ये दोनों डिजीजेस जो सी हैं ये अमूमन चाइल्डहुड के अंदर जो है ये ज्यादा होती हैं, और इनके जो वायरसेस होते हैं इन दोनों डिजीजेस के तो ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उसे हम कहते हैं पैरामिक्सो वायरस। तो अगर हम मम्प्स की बात करें तो मम्प्स जो है जी ये ऑलमोस्ट 60% अडल्ट से इम्यून होते हैं, और ये फैटल भी नहीं होती ज्यादा, लेकिन ये कॉन्टेजियस डिजीज ऑब्वियसली है। मिजल्स के हवाले से बात करें तो ये एक दफा जब बच्चे को हो जाती है तो सारी उम्र के लिए अगेन उसको नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चा जो है वो उसके लिए इम्यून हो जाता है। तो ये दोनों डिजीजेस जो सी हैं ये एज सच फैटल नहीं है। नेक्स्ट चिकन पॉक्स है जी, ये एक्टिव लेजेंस जो से उसके हमने शो किए हुए, इसी का जो वायरस है जिसे हम हर्पिस जोस्टर कह रहे हैं, वो शिंगल्स भी कॉज कर रहा होता है जी।
देन ये स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स कौन सी है, ये पॉक्स वायरस से होती है जो डीएनए वायरस है, डीएनए इनवेलप्ड वायरस है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बनते हैं जी, और ये फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स जो से हैं देन बाद में पिटेड स्कार्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम आमतौर पर माता के दाग बोलते हैं उर्दू के अंदर, और फिर वहां पे गड़े बन जाते हैं पूरी स्किन के ऊपर। तो ये स्मॉल पॉक्स है जी। इसके अलावा पोलियो जो है, पोलियो एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ही ऐसी कंट्रीज रह गई हैं जहां पर पोलियो केसेस सामने आते हैं। इजिप्ट के अंदर कुछ केसेस आए थे लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया, बाकी तमाम दुनिया से इसको इरेडिकेट कर दिया गया। तो पोलियो जो है जी, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो याद रखिए कि दो कतरे जो पोलियो के बच्चों को पिलाने की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उमूमन जितने भी वायरस डिजीजेज हैं अगर हम उनकी बात करें तो बच्चों को उसकी वैक्सीनेशन जरूर करवा देनी चाहिए अर्ली एजेस के अंदर, ताकि वो बच्चे जो उनसे हैं वो इम्यून हो जाए उस हवाले से, वरना बच्चों को डिफरेंट कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है जो उनके लिए थ्रू आउट द लाइफ जो है प्रॉब्लम कॉज करती है। जैसे मेजल्स और मम्स की अगर हम बात की तो वो फैटल नहीं है, ठीक है, वो होती है थोड़ी देर के लिए डिजीज, बाद में ठीक हो जाती है और बच्चा उसके लिए इम्यून हो जाता है। लेकिन सम डिजीजेज लाइक पोलियो है अगर उसकी बात करें तो इस केस के अंदर आप देखें जो बच्चे की या बाजू होती है या उसकी लेग होती है वो जो है वो वीक हो जाती है, वहां पे मसल जो है वो प्रॉपरली डिवेलप नहीं हो पाते। तो जो वायरस डिजीजेज हैं, वायरल डिजीजेज हैं, कम अज कम जिनकी वैक्सीन बन चुकी हैं और वो बच्चों को जरूर वैक्सीन लगवानी चाहिए। कुछ जो डिजीजेज हैं ऑब्वियसली उनकी वैक्सीन नहीं है, वो जब डिजीज हो तो उसे कोशिश की जाती है क्योर करने की। और कुछ तो लाइक एड्स की अगर हम बात करें, एड्स तो तकरीबन 25 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों के अंदर डेथ का एक मेजर जो रीजन है आपके पास वो वैक्सीन जो है वो नहीं बनाई जा सकी, इवन कोई ड्रग भी नहीं बना सके, यानी कि क्योर जो है एड्स का वो इट इज नॉट येट ऑन द होरिजोन। अलबत्ता कुछ आपके पास ड्रग्स जरूर हैं ऐसी जिनके कम्बिनेशन से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके अंदर इन्वेजन को कम किया जा सकता है एचआईवी वायरस के, और उन ड्रग्स के अंदर फॉर एग्जांपल एजेडटी आ जाती है। ये एक ऐसी ड्रग है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो एक्टिविटी है एचआईवी की उसे इंटरफेयर करने का काम कर रही होती है। तो खैर कहने का ये मतलब है कि जिन जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो बच्चों को जरूर लगवानी चाहिए ताकि बच्चे जो है वो उस वायरल डिजीज के अगेंस्ट जो है वो इम्यून हो जाए। तो खैर जी, पोलियो जो है जिसे हम पोलियो मेलाइटिस भी कह रहे हैं, याद रखिए आरएनए वायरस है स्पेरिकल कैप्सिड के अंदर। नेक्स्ट हम एट द एंड कोरोना वायरस के हवाले से बात कर लेंगे, नोवल कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि आजकल ये हॉट टॉपिक है तो हो सकता है शायद एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस हवाले से आ जाएं, तो जरा इसको थोड़ा सा मैंने कहा कि डिस्कस कर लें एट द एंड। तो कोरोना वायरस के हवाले से याद रखिए कि जो नोवल कोरोना वायरस है ये कुछ लोगों का ख्याल है कि जूनोसिस से आया, यानी कि बैट्स से शायद ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि ये एज सच ह्यूमन ओरिजिन का जो है ये वायरस नहीं है। तो जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि जो वायरसेस होते हैं इनके अंदर क्योंकि इनके अपनी जीन्स हैं तो ये म्यूटेट कर सकते हैं, ये इवॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट के अंदर हो सकता है कि ये जस्ट वर्टिब्रेट मैमल्स तक महदूद रहा हो, लेकिन बाद में इसने एवोल्यूशन के जरिए कोई ऐसी प्रोटीन्स बना ली हैं कि जिनकी मदद से ये ह्यूमन के सर्टन सेल्स को एज ए रिसेप्टर जो है उसके साथ बाइंड कर सकता है, बल्कि करता है, और ये डिजीज जो है कोविड की ये कॉज करता है। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो है कोरोना वायरस के हवाले से वो ये है कि जो कोरोना वायरस है बेसिकली ये एक इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से अगर वो छींक रहा है, अगर वो खांस रहा है, तो अगर आप 3 फुट के फासले के अंदर अंदर खड़े हुए तो वो ड्रॉपलेट्स जो हवा के जरिए आपके करीब पहुंचते हैं और आप उन्हें इनहेल करते हैं तो ये कोरोना वायरस जो है जी ये आपके नेजल कैविटी से होता हुआ आपके लंग्स तक चला जाता है। अब लंग्स के जो सेल हैं वहां पर जो इसका आप कहें कि रिसेप्टर है वो है जी आपके पास ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, वो आपके पास ये जो नोवल कोरोना वायरस है इसके रिसेप्टर के तौर पर काम करता है। ये उसके साथ जाके वहां अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद क्या होता है जी, क्योंकि ये आपके पास एनिमल वायरस है तो ये कैप्सिड समेत जो है वो क्या करता है वो उस सेल के अंदर, लंग के सेल के अंदर जो है वो
हाँ चला जाता है, यानी कि एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर चला गया। देन जब ये अंदर चला जाता है तो जी लाइसोसोम जो है वो इसके साथ मिल जाता है, उस वैक्यूल के साथ, और ये लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो इसके कैप्सिड को क्या करते हैं जी, डाइजेस्ट कर देते हैं। और देन जो इसका आरएनए है, और याद रखिए कोरोना वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए है, तो जो इसका आरएनए है जी वो निकल आता है, यानी अनकोटिंग हो जाती है। अब इसके आरएनए के रेलिवेंट एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसका जो आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पॉजिटिव ये हम कुछ चार्ज की बात नहीं कर रहे, एक्चुअली पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मुराद ये होती है कि ये आरएनए जो है ये इंडिपेंडेंट टू न्यूक्लियस क्या करता है, जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में जाएगा ये राइबोसोम को खुद से इस्तेमाल करके क्या कर सकता है, अपने लिए कैप्सिड बनवाना शुरू कर सकता है। ये जो आपके पास आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये एक कॉपी से 10 12 20 और इस तरह से सैकड़ों कॉपीज जो उनकी आरएनए की वो क्या कर सकता है, खुद तैयार करने की अबिलिटी रखता है। यानी कि ये जो आपके पास कोरोना वायरस है ये बहुत जल्दी फैलता है, इसका जो सिंथेसिस का रेट है वो बहुत ज्यादा है। क्लियर है जी? तो ये चीज थोड़ी सी आपने याद रखनी है। दूसरी चीज, वो अक्सर एक बात सुनी भी होगी आपने कि हमारे मुल्क के अंदर जो कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया है वो वुहान के कोरोना वायरस से थोड़ा सा वीक हो गया, वो उस स्ट्रेन जैसा नहीं है। वही बात आ जाती है कि वायरसेस क्या कर गए हैं, म्यूटेट कर रहे हैं, वायरसेस इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज होने की सलाहियत रखता है। अब शुक्र ये है कि वो वीक हो गया थोड़ा सा, वरना इस तरह से भी म्यूटेशन हो सकती थी कि वो ज्यादा फैटल हो जाता उस निस्बत जहां से वो स्टार्ट हुआ था। तो खैर, कोरोना वायरस के हवाले से ये बात याद रखिए कि ये आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और दूसरी चीज ये याद रखिए कि ये लंग के सेल्स के साथ जिस रिसेप्टर से बाइंड करता है वो है आपके पास ACE2 रिसेप्टर, ठीक है जी? और ये पूरे का पूरा कैप्सिड समेत जो है ये सेल के अंदर जाता है और देन सेल के अंदर जाकर अनकोट होता है। नेक्स्ट हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। सो नंबर ऑफ कैप्सोमर्स इन द एडिनो वायरस आर 2130, 162, 46 और 252। नेक्स्ट है जी आपके पास, Which of the following is a retrovirus? TMV, LCV, HIV or all of these? Third edge, aapke paas, Twalt in 1915 discovered which virus? And the options are smallpox, bacteriophage, herpes or rabies. नेक्स्ट है जी, इंफेक्शियस हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, सी और हेपेटाइटिस डी। एंड द लास्ट वन इज, टोबैको मोज़ेक वायरस इफेक्ट मेंबर ऑफ हाउ मेनी फैमिलीज, 3, 5, 7 और 9। तो चलते हैं जी इनके आंसर्स की तरफ। फर्स्ट का आंसर है जी 252। तो जो आपके पास एडिनो वायरस है उसके अंदर जो कैप्सोमर्स हैं वो 252 होते हैं। सेकंड जो है आपके पास उसका आंसर है जी HIV। तो इन सब में सिर्फ HIV जो है वो आपके पास रेट्रोवायरस है। तो खैर, यहाँ पर LCV का नाम आ गया है तो थोड़ी सी बात इस हवाले से कर लेते हैं। अमूमन हमने एनिमल वायरसेस की बात की है, लेकिन प्लांट वायरसेस की अगर हम बात करें तो याद रखिए ज्यादातर जो प्लांट वायरसेस हैं वो आरएनए वायरसेस होते हैं, वो नॉन इनवेलप्ड वायरसेस होते हैं और अमूमन ये रॉड शेप के होते हैं, हेलिकल शेप के वायरसेस होते हैं। अगर हम बात करें जी LCV की, तो इसे हम कहते हैं जी लीव कर्ल वायरस। और ये जो लीव कर्ल वायरस है जी आपके पास, ये अटैक करता है कॉटन प्लांट्स को और ये पाकिस्तान के अंदर ठीक ठाक कॉटन का उजाड़ा करता है। ये
ये जो एल सी बी है इसका वेक्टर यानी जिसके जरिए फैलता है वो आपके पास वाइट फ्लाई है, और जब ये कॉटन तक पहुंचता है जी, कॉटन के प्लांट तक, तो वहां पर जाके क्या करता है, जो आपके पास सब वीन्स होती हैं यंग लीव्स की उन्हें थिक कर देता है, इसके अलावा जो इंटरनोड्स हैं उनकी लेंथनिंग जो है कर देता है, उनको ट्विस्ट कर देता है, जो लीव्स हैं उन्हें लेदरी कर देता है, और जो खास तौर पर इसकी ये निशानी है कि जब ये अटैक करता है कॉटन लीव के ऊपर तो वो जो यंग लीव है वो अपवर्ड कर्ल हो जाता है जी, ठीक है, और उसकी जो आप कहें कि वेन्स हैं उसके अंदर से आपको फोलियर आउटग्रोथ नजर आती है, यानी कि एक जो उसकी सब वेन्स हैं लीव के अंदर वहां से छोटे छोटे आपको पत्ते जो है निकलते हुए नजर आते हैं, तो जो लीव होता है वो आप कहें कि खराब हो जाता है, वो फोटोसिंथेटिकली भी इतना एक्टिव नहीं रहता, तो इससे ठीक ठाक जो है कॉटन को नुकसान पहुंचता है। तो एल सी वी इज लीव कर्ल वायरस, याद रखें कॉटन पे अटैक कर रहा है, और इसका जो वेक्टर है वो क्या है आपके पास वाइट फ्लाई है, और इसके जो सबसे बड़ी जो है सिम्टम वो ये है कि जब ये अटैक करता है तो इसके जो लीव्स हैं यंग लीव्स हैं कॉटन के वो अपवर्ड कर्ल हो जाते हैं और जो सब वेन्स हैं वो थिक हो जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास जी टोबैको मोज़ेक वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस खाली टोबैको पे हमला नहीं कर रहा, क्योंकि डिस्कवर जो है ये पहली दफा टोबैको के लीव के ऊपर हुआ था, उस डिजीज से इसकी कहानी चली, सो दैट्स व्हाई टोबैको मोज़ेक वायरस। लेकिन ये तकरीबन आप कहें जी के 9 जो फैमिलीज हैं जो यहाँ पर हमने आखिरी बात की थी, 9 फैमिलीज जो है डिफरेंट उन पे अटैक कर रहे हैं, और 9 फैमिलीज के तकरीबन 125 डिफरेंट स्पीशीज हैं जिन पे ये अटैक करते हैं। तो ये सिर्फ टोबैको पे अटैक नहीं कर रहा, टोबैको के अलावा और बहुत सी इंपॉर्टेंट फसलें जो उनसे होती हैं लाइक टोमेटो, लाइक पिपर, लाइक कुकम्बर्स, इन सब के ऊपर भी अटैक करता है और ठीक ठाक फसल जो है उसको तबाह करते हैं। खैर जी ट्वार्ट की बात करें नेक्स्ट, तो ट्वार्ट ने 1915 में जी बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था, और अगर वो पूछ ले कि बैक्टीरियोफेज नाम किसने दिया था तो वो डी हैरल ने दिया था, डिस्कवरी दोनों के खाते में आती है। ट्वार्ट ने 1915 में पहले ऑब्जर्व किया, सेम फिनोमिना जो है डी हैरल ने 1917 में ऑब्जर्व किया, लेकिन बैक्टीरियोफेज का नाम जो है वो आपके पास डी हैरल ने दिया था। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस को जी हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं, हेपेटाइटिस बी को याद रखिए सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं, और हेपेटाइटिस सी जो है नॉर्मली इसको नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता था, और जैसे कि अभी हमने बात की कि टीएमवी जो है ये 9 फैमिलीज को इफेक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, खुश रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ जो लेक्चर है उसमें मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।